दोस्तों, धनबाद के पांडरपाला में एक परिवार को कई दिनों से इस बात की शंका हो रही थी कि वो जब भी रात में सोने जाते हैं तो उनके आंगन से ज़मीन के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। उन्हें ऐसा लगता था जैसे किसी सांप की फुफकार हो, मगर उन्हें कभी कुछ नज़र नहीं आया। परिवार ने इसे थोड़ा गंभीरता से लिया और उन्होंने एक स्नेक सेवर से संपर्क किया। शुक्रवार को जब स्नेक सेवर ने जाँच के बाद आंगन में बने प्लास्टर को तोड़ा तो लोग शॉक्ड रह गए। जब प्लास्टर तोड़ा गया तो उसके नीचे से कई सारे अंडों के साथ एक नागिन निकली। बता दें कि परिवार के सदस्य जब भी आंगन की तरफ रात में सोने जाते तो नागिन अपने अंडों को सुरक्षित रखने के मकसद से फुफकार लगाती थी। हालांकि किसी को भी सांप कभी दिखा नहीं था और इसी वजह से वो हर बार कुछ और सोचकर इसे टाल जाते थे। यही वजह है कि उन्हें इस बात को समझने में काफ़ी वक्त लग गया कि खुद उनके ही घर में नागिन ने अपना घर भी बसाया हुआ है और उनके यहाँ सांप पल रहे हैं। बताया जाता है कि नागिन को काबू में करने में स्नेक सेवर के पसीने छूट गए। उसने बताया कि जब परिवार के सदस्य इस समस्या को लेकर उससे मिलने आए थे और फुफकार की बात बताई थी, तभी वो समझ गया था कि यहाँ यकीनन सांप ने अपना घर बसा रखा है। नागिन ने वहाँ कुल 16 अंडे दिए थे जिसकी वो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से निगरानी कर रही थी। जब सपेरे ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो नागिन काफ़ी नाराज़ हो गई और उसे काफ़ी परेशानी दी। हालांकि बाद में नागिन को काबू कर लिया गया और उसे उसके अंडों सहित जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। बताया जा रहा था कि 2 अंडों से बच्चे बाहर भी आ चुके थे जबकि बाकी से अभी आने बाकी थे। फिलहाल नागिन के पकड़े जाने के बाद परिवार वाले अब निश्चित हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।